तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं गुड इवनिंग कैसे कह रही हूँ, क्योंकि मैं शाम को छत पे कुछ कुछ काम करने आई थी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो पहले तो मैंने पौधों को सबको पानी दे दिया और फिर उसके बाद में मेरा काम करने लगी। तो ये दो पौधे मैंने नीचे उतार दिए हैं, इसका पॉटिंग मिक्स आप देख रहे हो कितना सारा फैल गया है इसे। मैं जस्ट अभी धूप में क्या, अभी तो शाम हो गई, कल पूरे दिन की धूप में डाल के चले आऊँगी। तो जस्ट इसे मैं तोड़ रही थी, इसमें एक में तो कुछ नहीं उग रहे थे, वीट्स वगैरह उग रहे थे, और एक में उग रहा था बोगनवेलिया। तो बोगनवेलिया बहुत टाइम पुराना हो गया था, ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए थे उसको लगे हुए, स्टार्टिंग में लगाया था। अब उसका ये जो स्टेम होती है काफ़ी मोटी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि उन्हें उसका बनाया जाए एक बॉन्जाई। तो अब ये सारा बिखेरा हो चुका है, दोनों ही प्लांटर मुझे तोड़ने पड़े, जिसमें से एक तो थोड़ा बहुत बच गया है आधा सा, अभी आपको दिखाती हूँ, और एक पूरा ही टूट गया। ये तो इस तरीके से इस तरह। तो अब उसकी जो मिट्टी बची है उसको मैं अब धूप देके जाऊंगी। और ये मैंने बोगनवेलिया इस तरीके से, यहाँ जो मेरा काउडंग केक का और ये पॉटिंग मिक्स रखा था, काउडंग केक और वो किसका कोकोपीट का, तो उसमें मैं रात को रख के चली गई थी शाम को इसमें, जिससे एकदम सूखे ना। और अब इसे निकाल लेते हैं, अब निकालने के बाद क्या करेंगे वो आपको बताऊंगी। और अब हो चुके सुबह, मैं सुबह अपने टेरेस गार्डन पे आ गई, मैंने सबसे पहले से निकाल लिया है। अब कुछ कुछ काम शुरू करेंगे इसका बॉन्जाई बनाने का, और इसका प्लांटर भी मेरे पास अभी कुछ रेडी नहीं है। तो मैंने सोचा ये कोलियस के जो मेरे प्लांट्स उग रहे थे इसमें, और कोलियस अब जैसा कि आपको पता है कि बड़े हो जाने के बाद में एकदम ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहे हैं ना, नीचे से बिल्कुल सूखने लग जाते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे ही निकाल लूँगी, इवन ये मैंने कटिंग भी निकाल ली है, इन्हें और किसी में ग्रो कर लेंगे। और ये किसी शैलो पॉट में लग रहे थे, तो इस शैलो पॉट को मैं लेके इसमें एडीनियम लगाऊंगी। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं अपना काम। और अब मैं क्या कर रही हूँ, ये देखो छोटी सी कटिंग भी इसमें लगी हुई थी। तो अब सबसे पहले मैं ये जो प्लांटर है इसकी पूरी मिट्टी खाली कर दूँगी। ये बहुत ही शैलो प्लांटर है, और जैसा कि आपको पता है कि बॉन्सई शैलो प्लांटर में ईजीली ग्रो कर जाते हैं, तो उसे हम लगाएंगे। और सबसे पहले मैं इसकी पूरी मिट्टी खाली करके, इसकी मिट्टी इस बार पूरे गार्डन में बिखेरा हो चुका है, इधर उधर सब जगह, कहीं मैन्योर सूख रहा है तो कहीं पॉटिंग मिक्स, कहीं मिट्टी पूरा ऐसा फैला हुआ है। तो इसकी मिट्टी भी निकाल के मैं यहीं डाल जाऊंगी, धूप में आज पूरे दिन सूखती रहेगी, और जैसे जैसे धूप वगैरह भी लग जाए और इसमें नया मिट्टी भरेंगे। सबसे पहले इसके होल को मैं थोड़ा सा, ये जो मेरे पास बड़ी सी लोहे की एक रिंग है, लोहे का एक वो है, उससे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ इसके होल को, जिससे इसका ड्रेनेज अच्छा हो पाए। तो देखो इस तरीके से इसको मैंने, इसकी सारी मिट्टी खाली कर दी है, इसका ड्रेनेज होल मैंने बड़ा कर दिया है, और कल रात को उसमें पानी डाल के गई थी तो इसकी मिट्टी अगेन बहुत सारी गीली हो रखी है, मेरे पूरे ग्लव्स गीले ख़राब हो चुके हैं, तो मुझे हाथ से ही थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है, शुरू करते हैं। इसका होल जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है मैंने कितना बड़ा कर दिया है, और पॉटिंग मिक्स मैंने मेरा तैयार कर लिया है। जैसे कि आपको पता है कि क्या क्या होता है मेरे पॉटिंग मिक्स में, बोगनवेलिया के लिए ऐसा कुछ ज़्यादा खास ऐसा मतलब स्पेशल कुछ पॉटिंग मिक्स की ज़रूरत नहीं होती, तो नॉर्मल जैसा मैं सबके लिए बनाती हूँ वैसा ही मैंने इसके लिए रेडी कर लिया है। और अब इसे धीरे धीरे भरना हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें से कुछ कुछ कचरा वगैरह होगा वो सारा पहले मैं निकाल देती हूँ। और ये मैंने अभी वापस से टैप के नीचे अच्छे से धोया है इसे, जिससे इसमें जितना भी सब लगा हुआ था वो सब हट जाए। अब मैं मेरे पॉटिंग मिक्स में ऊपर नीचे वाली लेयर, एक मिट्टी की लेयर इसमें बिछा रही हूँ, और उसके ऊपर जस्ट मैं ऐसे रख दूँगी, कोई बिना कोई वायरिंग करे, नीचे से कोई इसको वायर का सपोर्ट नहीं देना है। मैं किसी भी बॉन्सई में नहीं देती हूँ सपोर्ट, जस्ट ऐसे ही लगा देती हूँ, ज़्यादा इसे इधर उधर मतलब हिलाएंगे नहीं तो अच्छे से स्टेबल हो जाता है। तो इस तरीके से मैं इसे रखूँगी, और मैंने इसे लगा दिया है, मगर इसकी मिट्टी को और दबा दबा के भरना, जैसे इसकी बहुत मोटी मोटी रूट्स थी वो सारी अंदर की तरफ दब जाए। तो इस तरीके से मैं ये अच्छे से दबा रही हूँ कि इसकी सारी मिट्टी अंदर अंदर की तरफ दबती रहे। और जैसा कि आपको पता है ये बहुत हार्डी प्लांट है, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर भी थोड़ी बहुत ध्यान तो रखना ही पड़ता है। तो चलो ठीक है, और मिट्टी लाते हैं और भरते हैं इसमें अपना पॉटिंग। चलो इतना है नीचे है, इसको इकट्ठा करके सारा डाल देते हैं। दिख रहा है क्या वीडियो में यार, ऐसा दिख रहा है। तो देखो इस तरीके से इसको मैंने ऐसे कर दिया, तो इस तरीके से सारा मिट्टी से लगाने के बाद में उसे पॉटिंग मिक्स लगाने के बाद मैंने यहाँ रख दिया इस तरीके से, यहाँ भी रखूँगी मैं इसे कम से कम 3-4 दिन तो ऑलमोस्ट इसको धूप में रखूँगी। इसको अच्छे से पहले मैं पानी डाल देती हूँ, यहाँ मेरा कैमरा। तो देखो इस तरफ
इस तरफ नहीं, इस तरीके से मैंने इसके चारों तरफ लगा दिया है। ये क्या बोलते हैं, स्टोन्स वगैरह, एक मटकी जो भी आपको दिखाई थी फ्री पड़ी थी वो उसमें रख दी है। और इसकी मैंने अभी कोई कटिंग प्रूनिंग वगैरह कुछ भी नहीं की है, इसे थोड़ा सा टाइम देंगे, अभी ये स्ट्रेस में वैसे ही है, तो उसके अभी कटिंग वटिंग कर देंगे तो स्ट्रेस में चला जाएगा, इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगी। और बस मुझे इसकी छोटा सा एक बॉन्साई ट्री बनाऊँगी, तो इसलिए ये तो वैसे भी क्लीन है, यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर है तो ये बुशी होता जाएगा, थोड़ी बहुत कटिंग वगैरह है वो बाद में करेंगे। यहाँ से क्लीन करके दो तरीके से बुशी करेंगे, एक यहाँ से और एक इस तरफ से, जब यहाँ से शूट्स आएंगे नए नए तो यहाँ से भी ऐसा गोल सा ऐसा क्रिएट कर लेंगे, तो दो तरफ से ही हो जाएगा। तो चलो ठीक है, ये वाला काम हो गया। और उसमें मैंने जैसे कि आपने देखा है कि कोई भी कुछ भी वायरिंग वगैरह मैंने कुछ भी नहीं की है, ये बिना वायरिंग के भी अच्छे से स्टेबल हो जाता है, ज़्यादा छिड़कानी नहीं करे तब उठा के इधर उधर रखना बार बार और वो सब करना, तो उसके चक्कर में थोड़ा बहुत हिलता है, बाकी नहीं। जैसे आपको पता है इससे पहले मैंने जेड प्लांट की भी कटिंग वो का बॉन्साई बनाया था, उसको भी मैंने नहीं वायरिंग की थी, बिना वायरिंग के भी अच्छे से चल जाता है, वायरिंग इन द सेंस नीचे वाले पार्ट की, जिसे वायरिंग से अटैच करके इसे नीचे मतलब एकदम सेट कर देते हैं उस तरीके से। और हल्का सा मैंने इसकी ये जो मेन ट्रंक है इसको टिल्ट करके लगाया, जैसे कि देखो दूर से दिखाते हुए इस तरीके से हल्का सा टिल्ट है, जब ये बड़ा होगा तो थोड़ा सा तिरछा बन लेगा और वो बहुत ही अच्छा सा लुक क्रिएट करेगा। तो बस ये वाला हमारा बॉन्साई का काम हो गया है, अब दूसरा काम करते हैं। बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था ये वाला काम मेरा, अब इन कोलियस का काम कर देते हैं, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये कोलियस है ना, एक बार लगने के बाद इस तरीके से जब इनकी एज हो जाती है तो इस तरीके से हो जाते हैं ख़राब बिल्कुल, अब ये नहीं ग्रो करेंगे। इवन अगर इसको भी मैं लगाना चाहूँ तो ये ग्रो नहीं करेगा। तो इसमें से सबसे पहले मैं अच्छे अच्छे से पहले ले लेती हूँ कटिंग्स और फिर आपसे मिलते हैं। और ये मेरा प्लांट रखा लिया गया, इसी में मैं ग्रो करूँगी इसे। तो इस तरीके से जो दो मैंने ये बॉन्साई प्लांट जो बनाया, इसके जो गमले निकले थे उसकी मिट्टी को मैंने यहाँ सुखाया, काफ़ी सालों पुरानी है, कम से कम चार पाँच साल नहीं, ऑलमोस्ट 2.5 साल तो पुरानी है ही है ये, तो इसलिए धूप में अच्छे से धूप आएगी यहाँ लग जाएगी। अगेन ये हमारा ये सूख रहा है, क्या बोलते हैं, काउडंग केक और वर्मी कंपोस्ट, ये अच्छे से इसको मैं रोज़ बिखारती हूँ, मतलब इस टूल से अच्छे से फैला देती हूँ, अभी से भी फैला के इसे भी फैलाया, और अगेन ये भी सारा बिखेरा हो रखा है, ये अभी मिट्टी निकली है इसमें से, इसका जो मैंने प्लांट किया है उसमें से, सीजर लेने गई थी वो तो लाई नहीं और सब काम करके आ गई, चलो ठीक है सीजर लाते हैं, सीजर पता निकाल दी। तो ऑलमोस्ट कहने का ये मतलब है कि तहस नहस हो रखा है, जब तक ये सूखेगी नहीं मैं इसको भरूंगी नहीं, तो कि ऐसे ही हमारा बिखेरा पड़ा रहेगा सारा का सारा। और आज आपको टेरेस गार्डन को तो ओवरव्यू देना ही भूल गई, आते काम में लग गई क्योंकि बंदर थी छत पे, तो मुझे लगा पहले काम कर लिए जाए, तो फटाफट से एक ओवरव्यू देती हूँ और फिर कटिंग लगा के फिर जाते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी तो आपको पता है कि क्या करना है, तो शुरू करते हैं। तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक के भी बहुत सारे पौटे में पौटे बोल रही हूँ भगवान पौधे में लगा रही हूँ, समर के सही कर रही हूँ, विंटर के चल रहे हैं, विंटर के सीड पॉट्स लगाने, विंटर का भी मैंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, विंटर के का छोड़ दिया, बस अभी समर में ग्रो करने वाले ज़्यादा लगा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है मेरी क्लासेस का भी सिर्फ एक बैच ले रही हूँ, तो उसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो जितना भी टाइम है मैं इन पौधों को देख के अपना पूरा काम खत्म कर लेना चाहती हूँ पूरे समर का, नहीं तो फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाने के बाद 6-7 घंटे 8 घंटे कहाँ निकलते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है, तब मैं टाइम नहीं दे पाती हूँ, इवन पानी डालने का भी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं समर के सारे ही पौधों का काम अभी कर रही हूँ, जैसे बॉन्साई बनाना, नए पौधे लगाना, पुराने पौधे हटाना, ये सारा सीड पॉट बनाना, मतलब सीड पॉट मैं कहाँ बनाऊँगी, मतलब सीड पॉट अभी उसको करना, वो आप ही आपके साथ आगे वीडियो में हम करेंगे शेयर। तो इस तरह पॉटिंग मिक्स बनाना, ये सारा का सारा काम मैं करती जाती हूँ। तो बस अभी ये मार्च तक चलेगा, मार्च के बाद में जब बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, क्लासेस वापस स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों के लिए, इसलिए मैं सारा ही काम रोज़ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगा के कर रही हूँ, सुबह भी आती हूँ, शाम को पौधों को पानी डालती हूँ, ये सब काम मेरा चलता रह रहा है। तो ये देखो जब तक पूरा काम नहीं हो जाएगा ना, ये हमारा सेटिंग इधर उधर चलती ही रहेगी। बाकी नहीं देखो मैंने इसकी अभी कटिंग लगाई थी, कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है अभी, इसकी कटिंग आपके साथ में की थी शेयर, ये उनमें लगाई थी, वो कटिंग्स भी ग्रो करने लग गए हैं, और अभी ये समर में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बस इस तरीके से ये हैं, हाँ वो सारे पौधे, सब पौधों में ये देखो, ये भी आपके साथ में शेयर की थी, सारी ही चल पड़ी हैं अच्छे से, ये देखो सारी। अब आ जाते हैं ऊपर वालों में, इन सब में मैंने कटिंग कर दी थी, टिकोमा में, चमेली में, रातरानी में, इन सब में अच्छे से चल रहे हैं, मोगरे में और इन सब में, नागचंपा में भी हमारे नए नए आ रहे हैं, वो नागचंपा वहाँ है हमारा। अब ये विंटर के सारे
पौधे मैंने छोड़ दिए हैं, देखो बंदर ही बंदर आ रहे हैं, बस अब मैं जाऊँगी ये कटिंग लगा के फटाफट से, बहुत सारे बंदर हो रखे हैं। इस तरह की सब सारी ही पौधों को मैं एज इट इज़ कुछ नहीं करूँगी, किसी की कटिंग लगानी नहीं है अभी, कटिंग लगाऊँगी बस, अब बाद में इन सब के साथ मैं क्या करूँगी वो आपके साथ में सब मैं शेयर करती रहूँगी। तो चलो ठीक है, फटाफट से बंदर आ जाए, इससे पहले मैं सारे काम कर लेती हूँ। अगेन ये मेरे ये सारे पौधे इस तरीके से, और देखो खाद डालने के बाद अभी से फ्लावर खिलने लग गए, मतलब इसमें, और ये कितना अच्छा हमारा हो रखा है बुशी एकदम, और इसमें भी आने लग गई मधुमालती में भी नई नई शूट्स। बस ठीक है, अब फटाफट से काम करते हैं, और देखो उसमें नया फूल खिला है, देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो देखो अब इस तरीके से इसकी मैं ऐसे कटिंग ले रही हूँ, ये सब हटा दूँगी मैं अभी, क्योंकि एलर्जी लेंगे फिर इसके कारण ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये सारी ही सारी हमें हटा देना है इस तरीके से, और इसकी हमें कटिंग लगाऊंगी मैं कोलियस की। अभी सारा भी खेरा नहीं करूंगी, और भी कोलियस की लगानी है, मगर अभी नहीं लगाऊंगी, नहीं तो फिर एकदम बंदर आ गए ना, तो फिर मुझे भागना पड़ेगा। अभी तो बहुत बेकार लगेगा आपको ये कोलियस, जब ये पूरा ग्रो कर जाएगा तब अच्छा लगेगा। तो ये कटिंग अब इसमें से मैं दो कर लेती हूँ इस तरीके से, ऐसे याद रखना है कि नीचे वाला पार्ट कौन सा है, तो मैं इसको इस तरीके से रखूँगी जिससे मुझे पता चल जाए नीचे वाला पार्ट कौन सा है। अब हम दूसरे ले लेते हैं कोलियस, अलग अलग शेड्स के ना एक साथ लगाने चाहिए, बहुत अच्छे ग्रो करते हैं, और कोलियस ज़्यादा नहीं चलते हैं क्योंकि आपको उसकी कटिंग से लगाते रहना चाहिए, एक बार ये ख़त्म होते हैं तो ये वापस ग्रो नहीं करते, इसलिए इसकी कटिंग लगाते रहना चाहिए अलग अलग प्लांटर्स में। एक ये तैयार हो गया हमारा, ये देखो इस तरीके से हो जाते हैं, फिर ये ख़त्म हो जाते हैं ये ऐसे, तो इसको तोड़ लेते हैं। और ये कटिंग अच्छी सी, यहाँ से नई कटिंग लेनी है मुझे, ये एक ये ले ली, एक ये ले ली, अगेन एक ये ले ली, तो ये हो गई हमारे पास तीन कटिंग्स। उसको मल्टी कलर्स में लगाएंगे ना तो भी बहुत प्यारा लगता है। बस ऊपर की हटा देंगे ये सारी, ये हो गई। अब इसमें से निकाल लेते हैं कटिंग, देखिए हमारा पहले वाला छोटू सा ये, अब एक इसमें से ले लेते हैं कटिंग ऐसे। इन सारी कटिंग को मैं अभी लगाऊंगी, कि ग्रीन वाला है इसको ऊपर से काट के इसकी कटिंग ले ली मैंने। अभी आपको बहुत बेकार कंडीशन में दिखेंगे, देखो आपको दिखाती हूँ, ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे ऐसे, मगर ये कटिंग बहुत अच्छे से चलती है इस तरीके से, जिसमें कोई पत्ती वत्ती नहीं रहती है। अब हाँ, बंदर तो नहीं है ये, छोटी से छोटी भी कोलियस की कटिंग चल जाती है इजीली। और नए में से जितना लेना नए शूट्स वो उतना ही अच्छा रहता है। तो देखो इतनी सी कोलियस की कटिंग में मैं लगाऊंगी, ये इतनी सी भी, तो ऐसे सारी कटिंग में ले लेती पहले। तो ये देखो इस प्लांटर में भी कोलियस थे, उसको भी मैंने निकाल दिया, बिकॉज इस तरीके से हो गया था वो ख़राब कंडीशन में, इसको फेंकेंगे। अब ये नए नए देखो इस तरीके से हैं ये इसमें, और नयों की कटिंग करेंगे, नयों की कटिंग क्या बोल रही हूँ मैं अभी, इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर ऊपर के सारे मैंने हटा दिए हैं, और अब ग्रो करेंगे इस तरीके से। एक ये भी ले ही लेते हैं, अब इसकी भी एज हो गई एक तरह से, ये देखो लगी लगी होने लग गया ना, इसकी भी एज हो गई, इसको भी मैं हटा देती हूँ और नया लगाएंगे। नया जितना अच्छा आप लगाते हैं ना वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, पुराने ज़्यादा नहीं चलते हैं। ये देखो इस तरीके से नीचे नीचे से अब ख़राब होने लग जाती है सब, खाली ख़त्म, ये देखो दिख रहा है आपको, सब ख़त्म हो जाती है, सूख जाती है। इसलिए कोलियस ज़्यादा नहीं चलते हैं, कटिंग लगाते जाइए नए नए अपने गार्डन में बनाते जाइए। तो बस अब इसमें मैंने सब में पुराना वाला पॉटिंग मिक्स निकाल दिया है, और ये पहले वाले का है सब। अब इसमें नया पॉटिंग मिक्स मैंने भर के, अब सबसे पहले इसमें दूंगी मैं पानी, जिससे ये जितनी भी कटिंग्स है ना ये सारी मिक्स एंड मैच करके लगाऊंगी अलग 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 कलर की। तो इस तरीके से, और एक और दिखाऊंगा इसको भी, मेरे को सब हटाना है, अभी आपको अच्छा लग रहा होगा मगर ये धीरे धीरे अब ख़राब हो जाएगा, इसलिए मेरे को इसको भी प्लांटर से निकालूंगी। तो इस तरीके से कोलियस की कटिंग आप अगेन एंड अगेन मैं कह रही हूँ कि लगाते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपके पूरे गार्डन में वो बना रहेगा। तो बस अब इसमें मैं कटिंग्स लगा देती हूँ और फिर वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। तो चलो ठीक है, ये देखो कुछ भी कटिंग लगा रही हूँ मैंने, मोटी पतली सब ले ली है, और इस तरीके से बस मैं गाड़ती जा रही हूँ ऐसे, और इसे एकदम शेडी एरिया में रखेंगे अभी अगेन तीन चार दिन। ओ शिट टूट गई, हे भगवान, ग्रो कर जाएगी, मैं नीचे नोड एरिया गया ना बहुत सारा, तो इस तरह
चार पांच, कम से कम चार पांच नोड एरियाज, नोड एरियाज ये होते हैं जहाँ से ये ग्रो करते हैं, तो ये चार पांच अंतर जाने चाहिए। तो बस इस तरीके से ये सारी कटिंग्स हम लगा देंगे, इसमें नहीं ये लगाएंगे, इसमें लगाएंगे बस, ठीक है। और फिर जाएंगे नीचे, बस कटिंग लगाते समय आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका पॉटिंग मिक्स अच्छा हो। सेकंड थिंग, नोड एरिया अंदर अच्छे से मिट्टी में डल जाए। थर्ड कि आप उसको उल्टे ना लगाते, जैसे ये रखिए ना, तो आपको ध्यान रहे कि ये सीधा पार्ट कौन सा है और उल्टा पार्ट कौन सा है, बस। और इसे सेमी शेडी एरिया में कोई सी भी कटिंग लगाएं, सबसे पहले से कम तीन चार दिन सेमी शेडी एरिया में रखें। हाँ, 9 o'clock मॉस रोज, अभी जो बेबी सन रोज, इन सबको आपको सेमी शेडी एरिया में रखने की ज़रूरत नहीं है। कटिंग लगाने के बाद में फुल धूप में रखिए, सब चलता है क्योंकि अभी वो विंटर के ही हैं। बाकी इन सबको, बाकी सारी कटिंग्स को आपको एकदम शेड में रखने की ज़रूरत होती है। जब ये ग्रो कर जाए, आपको लगे हाँ ये ग्रो करने लगी है, तभी से आप धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। और कोलियस को इतना भी धूप नहीं चाहिए होता है, सेमी शेडी एरिया में ही आप इसे ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। तो चलो ठीक है, ये हमने लगा दी, देखो इस तरीके से कोलियस होते हैं अलग 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 कलर शेड्स के। तो आप इसे लगा के गर्मी में अपने टेरेस गार्डन को एकदम कलरफुल बना सकते हैं। तो बस इसी तरह से इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और इसे कहीं रख देती हूँ। और इन वाले कोलियस का भी कुछ करना था, देखो ये तो किया नहीं, वो छोड़ के नया करने पड़ी कभी, तो इनका देखो कल करते हैं, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगी, नहीं तो ऐसे फ्लावरिंग होती है और फ्लावरिंग के बाद ये आगे ग्रो नहीं करते हैं। तो चलो ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपको पता है कि फ्रेंड्स क्या करना है। ओके बाय।